हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे, अनुभास क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं दूसरे डिज़ाइन के साथ आई हूँ। इसमें मैं बहुत सुंदर आपको डिज़ाइन बनाना बताऊँगी और इसे बताने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा वीडियो देखिए और देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो यहाँ मैंने दूसरे सलाई पर 12 फंदे डाल दिया है और 12 फंदे डालने के बाद देखिए इस तरह से हम पहला सलाई सीधा बुन लेंगे। इस तरह से फिर उल्टे सलाई में भी हम सारे फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। अगर आपको बॉर्डर बनाना है तो पहले बॉर्डर बनाइए, उसके ऊपर से बुनाई करिए। दो सलाई इस तरह से बुन लीजिए और उसके बाद आप इस डिज़ाइन को बनाइए। ये डिज़ाइन हम बेबी ब्लैंकेट बनाने के लिए, लेडीज़ स्वेटर बनाने के लिए, जेंट्स स्वेटर के लिए सबसे ही अच्छा डिज़ाइन है, तो इसको हम बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने दो सिलाई कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। इस तरह से स्लिप कर लिए और दूसरे वाले फंदे में हमको इसमें नहीं बुनना है। अब हम ये वाला इसके अंदर से एक बार बुनेंगे ऐसे, और ये वाला फंदा इस तरह से स्लिप कर लेंगे। फिर इस तरह से सीधा एक बार बुनेंगे। फिर ये वाला जो फंदा है इसमें हम नहीं बुनेंगे, यहाँ नीचे से देखिए ये वाला जो हमारा है बुनाई पहले वाला है जो है उसी के अंदर से इस तरह से हम बुनेंगे। और ये बुना हुआ जो फंदा है इसको हम इसी तरह से स्लिप कर लेंगे। अब आगे वाला फंदा, एक फंदा हमको इस तरह से बुन लेना है, इस तरह से। फिर एक फंदा नीचे से ऐसे, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। फिर आगे वाले फंदे को एक हम बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे में भी देखिए ये हमारा जो है इसके अंदर से इस तरह से सिलाई को ले जा करके इसे ऐसे बुनेंगे और ये बुना हुआ जो फंदा है इसको इस तरह से हम स्लिप कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे, लास्ट वाला फंदा। अब देखिए ये हमारा पहला सिलाई कंप्लीट हुआ। अब लास्ट अब दूसरे सिलाई में हमको क्या करना है, इस तरह से पहला फंदा स्लिप करें, उनको अपनी तरफ लाएं और दो का एक कर दें। फिर उनको सीधा करें ये इस तरह से, उनको अपनी तरफ लाएं, दो का एक करें, फिर उनको सीधा ले जाएं। ये इस तरह से नहीं बुनना है, इसको हमेशा ऐसे बुनना है। फिर उनको आगे लाएं, दो का एक करें, फिर उनको सीधा ले जाएं, एक फंदा इस तरह से सामने से हमको ऐसे बुनना है। फिर उनको अपनी तरफ लाएं, दो का एक करें,
लास्ट वाले फंदे को हमको इस तरह से बुन लेना है। ये हमारा दो सिलाई कंप्लीट हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स, अब जहाँ मैंने दो बार बुना था इस वाले फंदे में मैंने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था, तो अब हम यहाँ नहीं बनाएंगे, ये पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और ये वाला जो फंदा है इसको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। इसे सीधा बुनने के बाद अब हम ये वाला जो हमारा है फंदा इसमें इस तरह से तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और ये वाला हम इसको स्लिप कर लेंगे। फिर ये वाला फंदा जो है इसको हमको सामने से इस तरह से बुनना है। फिर आगे वाले फंदे में उसी प्रक्रिया को हमको बार बार दोहराते जाना है। जिस फंदे में हमने डिज़ाइन बनाया है उसमें नहीं बनाएंगे, ये वाला फंदा जो हमारा है इसको इस तरह से बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ बड़ा ही आसान, बड़ा ही सुंदर डिज़ाइन है इस तरह से। फिर ये वाला जो फंदा है इसको हम पीछे से ऐसे बुनेंगे। फिर यहाँ लास्ट वाले फंदे को स्लिप करें या बुने, इस तरह से डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब हमको पीछे से क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। ये हमने स्लिप कर लिया और जो फंदा हमने सीधा बुना था उसको हमको फिर यहाँ इस तरह से ऐसे बुन लेना है। उनको अपनी तरफ लाएं और दो का एक कर लें, फिर उनको सीधा करें, एक फंदा सीधा बुने इस तरह से। फिर उनको अपनी तरफ लाएं, दो का एक करें, उनको सीधा ले जाएं। दो सिलाइयों का ये डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये कोई भी बिगनर्स बना सकता है इसे आसानी से। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरा पूरा वीडियो देखें और इसी तरह से मेरा सपोर्ट करते रहें। ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखेगा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार मैं और दिखा देती हूँ। अब देखिए ये डिज़ाइन मैंने पहली बार पहले वाले फंदे पर बुना और दूसरी बार जब डिज़ाइन बनाया तो यहाँ मैं इस फंदे पर बनाया। अब हमको डिज़ाइन बनाना है तो हम यहाँ बनाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया इस तरह से, इस फंदे को इस तरह से उतार लें। फिर ये वाला फंदा जो है इसको हम ऐसे ही बुन लेंगे। इसे आप दो रंग से भी बना सकते हैं। इस तरह से ये डिज़ाइन बनते जाएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स।